स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम अपकमिंग ईसा एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और हमारा ये चैप्टर 6 है, इसका हमने पार्ट 1 करा दिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और ये हमारा पार्ट 2 है और हमने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दिया था, आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 21 है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ए 4 किलो कैलोरी, बी 2 किलो कैलोरी, सी 3 किलो कैलोरी, डी 1 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए 4 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्न में से कितने एमिनो एसिड शरीर द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है? ए 4, बी 9, सी 15, डी 20। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी 9 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ए 9 किलो कैलोरी, बी 15 किलो कैलोरी, सी 10 किलो कैलोरी, डी 18 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ए 9 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 है क्या है? रतौंधी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए, बी क्या है विटामिन बी, और सी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी, और डी विटामिन के। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स हमारे 10 साल से नीचे के बच्चों को होता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों? वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन होते हैं, कौन से होते हैं? ए टोकोफेरॉल कामा नियासिन कामा सियोनो कोबालेमिन, बी कैल्शियम फेरोल कामा कैरोटीन टोकोफेरॉल, सी एस्कॉर्बिक एसिड कामा कैल्सीफेरॉल कामा राइबोफ्लेविन, डी थायमिन कामा कैरोटीन कामा बायोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी कैल्शियम फेरॉल कैरोटीन और टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? ए 30 ग्राम, बी 37 ग्राम, सी 40 ग्राम, डी 45 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? डी 45 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों? गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी12, सी विटामिन सी, डी क्या है विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ए नंबर क्या है? विटामिन ए, गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्तों? विटामिन ए प्रचुर होता है किसमें? ए सेम में, बी चावल में, सी गाजर में, डी नींबू में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी गाजर में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों? गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति? ए केसिन, बी लैक्टोज, सी केसिन के साथ कैरोटीन, डी लैक्टोज के साथ ब्यूट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ए केसिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों? विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है? ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी बेरीबेरी, डी अरक्ता। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? डी अरक्ता होती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्तों? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम होता है? ए बाल क्षय जिसको बोलते हैं मरास्मस, और बी बालवक्र जिसको बोलते हैं रैकेट्स, सी बेरीबेरी, और डी बल्क चार्म। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए बाल छम बाल छय मराफमस जिसको बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है दोस्तों?
निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता? ए कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन, सी प्रोटीन, डी वसा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? बी विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है दोस्तों? निम्न में से किस विटामिन की कमी से 3D रोग होते हैं? ए प्लेगरा, बी टोकोफेरॉल, सी नियासिन, डी निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? डी है, नियासिन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है दोस्तों? शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है बी कैल्शियम। और क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्तों? गॉइटर में कौन सा ब्लड की जांच की जाती है? ए T3, बी T4, सी TSH, डी उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? डी उपरोक्त में सभी। गॉइटर में हमारे T3, T4, TSH होते हैं ब्लड की जांच। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्तों? WHO डे कब मनाया जाता है? तो ए 7 अप्रैल को, बी 14 मई, सी 24 अप्रैल, डी 17 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा 7 अप्रैल, इसका राइट आंसर है। WHO डे हमारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्तों? वयस्क पुरुष में आयरन का कितना mg पर डे आवश्यकता होती है? तो ए 100 mg पर डे, बी 28 mg पर डे, सी 45 mg पर डे, डी 90 mg पर डे। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी 28 mg पर डे है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? आयरन में खून की कमी से क्या होता है? ए खून में प्लेटलेट्स कमी, बी सॉरी दोस्तों थोड़ा सा बैक हो गया था, तो इसका क्या है? बी क्या है? एनीमिया, सी खून की कमी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है हमारा बी एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों? निम्न में से कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? ए क्लोरोक्विन, बी सेल्कोल, सी सॉर्बिट्रेट और डी क्या है? पैरासीटामोल। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सेल्कोल गोली का यूज करते हैं हम कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए।